फॉलो कीजिए शिमारू एस्ट्रो 360 ऑन फेसबुक। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता। नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इस नए साल की शुरुआत करते हैं नए शो के साथ एस्ट्रो फ्यूचर विद संदीप कोचर। और जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप कोचर जुड़ चुके हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू हर्षिता, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। अब हम अपनी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और सर हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2020 कैसा होने वाला है? वृश्चिक राशि को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो, मौसम आए ना आए, बारिश हो ना हो, साल बदले ना बदले, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन ए डिफरेंट जोन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे स्कॉर्पियो, वो तो वो स्कॉर्पियो है तो वो उससे डरते हैं। वो सनसाइन की बात है और हम सनसाइन की बात नहीं कर रहे हैं। वो स्कॉर्पियन विंडिक्टिव हो सकते हैं, वो स्कॉर्पियन बदला लेने की भावना उनके अंदर होती है, ये वो सनसाइन के लोग हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं मून साइन की, और मून साइन स्कॉर्पियन आर द मोस्ट इमोशनल पीपल ऑन द प्लैनेट। कहा कुछ और लगा कुछ और, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो गए। ऐसी वाइफ जिसके घर में होती है वो हस्बैंड बेचारा रहता है, बिकॉज वो इतनी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यू नो, वो वाइफ कभी भी उससे खुश नहीं रहती, क्योंकि वो शी फाइंड रीजंस, यू नो, शादी की थी उसने रणबीर कपूर से और शादी के बाद पता चला कि हस्बैंड उसका नाना पाटी कर रहा है, यू नो, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो कंप्लेंट कर लेगी। सबसे ब्यूटीफुल और सबसे केयरिंग सास उसको मिली और उसको लगा ये तो ललिता पवार है, तो उसका जो 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 अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ए पर्सन, इवन ऐसे लोगों को अपनी माँ से कंप्लेंट होती है कि मॉम यू डोंट लव मी, मतलब हर चीज़ में गिले, शिकायत, शिकवे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपने जोर में रहते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी। तो ये बात मैं क्यों क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ, इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यू नो, वक्त बदल रहा है, साल बदल गया है, तो अब आपको बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द चेंज। मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है विच आई यूज टू से एवरी डे हर्षिता, कि डेस्टिनी इज फिक्स। हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, किस्मत फिक्स हो चुकी है, आपको पता ही नहीं था आप कहाँ पैदा होने वाले हैं, एवरीथिंग इज इट इज प्री रिटन समवेयर। तो डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज, वन यू चेंज। तो ये 2020 का जो ईयर आया है पहली बार, और किसी ने कहा कि भाई अब तो बड़ा होने का वक्त आ गया है, बिकॉज टीम इज ऑल ओवर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीम इज ऑल ओवर, तो दिस इज अ टाइम टू ग्रो अप। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सोच को जरा सा बदलिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपकी ये डिफरेंट अप्रोच आपकी ज़िंदगी को बदल दे। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हैप्पीनेस को जोड़िए ज़िंदगी में, बट वृश्चिक राशि की मैं पॉजिटिव बातें भी कह सकता हूँ कि दे आर वेरी डीप पीपल, दे आर ग्रेट लर्नर्स, एंड दे द इंट्रोस्पेक्शन जो उनका होता है या जो अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट पीपल, एनवायरमेंट, लाइफ, वॉट एवर, इज़ वेरी डीप। तो अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चले आएंगे ना, आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं, आपको मालूम है शाहरुख खान ने क्या कहा था? नहीं, आपको नहीं, फिल्म का डायलॉग था कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो किसी भी चीज़ को पूरी कायनात पूरी शिद्दत से चाहो, तो शिद्दत से आप क्या चाह रहे हैं? तो अगर आपके वो शिकायत, वो कंप्लेंट शिद्दत से चाह रहे हैं, तो आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, तो आप वो क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अगर आप अपने पॉजिटिव आउटलुक को लेकर आएंगे, आपको पता है कि टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा भी है आप ही का हस्बैंड है, उसको प्यार मोहब्बत से हैंडल करिए, गिले शिकवे को डिलीट मार दीजिए, तो 2020 के लिए मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे गेंस भी इनको मिलेंगे, बहुत सारी जिंदगी में चेंजेस भी आपकी कुंडली में आएंगे, आपका इंट्यूटिव एबिलिटी भी बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड यू डू सम मेडिटेशन इन 2020। और ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि सैटर्न का जो ट्रांजिशन है, इट विल प्रूव टू बी अ गुड सैटर्न। साढ़े साथी जिसको मैंने कहा था एक ब्रांड किया गया है, वो वृश्चिक राशि की 24 जनवरी को खत्म हो रही है, तो ये इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यानी पिछले 7.5 साल का जो भी स्ट्रेस आपने किसी तरह फील किया था, दैट इज ऑल ओवर, 24 जनवरी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो जब सितारे बदल गए भाई साहब, तो आप कब बदलेंगे? तो दिस इज द टाइम टू चेंज, एंड 2020 विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड 30 मार्च से लेकर 30 जून के बीच में वृश्चिक राशि की शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप इसको मिस मत करिए, क्योंकि 20 नवंबर के बाद शादी आपकी हो जाएगी। And I just realized कि इस बार लाइफ का टीनेज खत्म हो रहा है, because it's going to be 2020, and जितने आपने predictions किए, बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली, मतलब पूरा अगला जो साल है वो शहनाइयों में बीतने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि you know, इस कहते हैं कि एक से भले दो, तो when you know two people are combined, you know, then there's a different energy. I believe in lady luck, I also believe in man luck, जिसको बोलते नहीं है, but एक और कुंडली जब जिंदगी से जुड़ जाती है तो 1+1=11 हो जाता है।
करेक्ट है। तो कई सारी राशियों को कई बार फायदा मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से। सो कीप डूइंग दैट। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे साथ इतनी अमेजिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपसे इस शो से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।